मुआशी बहरान बेकाबू, मुल्क दिवालिया के करीब पहुंच गया। खजाने के रखवाले एक दूसरे पर मलबा डालने लगे। साबका वजीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर वजीर खजाना इसहाक डार को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने खबरदार किया कि मुल्क के डिफॉल्ट का खतरा बरकरार है। जब तक IMF टेबल पर नहीं आता, पाकिस्तान पर दिवालिया की तलवार लटकती रहेगी। डिफॉल्ट का खतरा बढ़ गया है, हम डिफॉल्ट के रास्ते पर हैं, इकदाम करने चाहिए ताकि डिफॉल्ट का खतरा कम हो। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि इसहाक डार की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट के नहज पर नहीं पहुंचा, बल्कि ये इमरान खान की वजह से पहुंचा। दूसरी तरफ इसहाक डार को इस्लामाबाद में सहाफियों ने घेर लिया। वजीर खजाना से मुल्क की मौशियत पर सवालात की बुछार हुई तो उन्होंने अपने कदम तेज कर दिए और सवालात से मुंह मोड़कर वजीर आजम से मुलाकात के लिए चले गए। वजीर खजाना इसहाक डार तो सवालात का जवाब नहीं दे रहे। ताहम वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर वुजरा कई बार कह चुके हैं कि मुल्क के दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं। अब इस दावे में कितना सच है और कितना झूठ आने वाले दिनों में सब वाज़ेह हो जाएगा।